हेलो, थीम वेट लॉस स्पीक पे बात करेंगे। रैपिड, मॉडरेट और स्लो। जितना जल्दी हम वजन कम करने की कोशिश करते हैं, उतने ही ज़्यादा हम अपनी मसल को लूज करने के चांसेस बढ़ा देते हैं। लेकिन काफ़ी केसेस हैं जिनमें हमें ये यूज़ करना पड़ता है। फॉर इंस्टेंस, रैपिड स्पीड 0.8 से 1% बॉडी वेट पर वीक को लूज करने को रैपिड स्पीड कहते हैं। यह मैं रेकमेंड करती हूँ ओबीस और एक्सट्रीमली ओबीस लोगों को, जिनको 50 से 70 किलो वजन कम करना होता है, जो शायद एक्सरसाइज करने की पोजिशन में भी नहीं होते हैं। उनको काफ़ी सारी सीरियस हेल्थ इश्यूज होते हैं जो सिर्फ वजन कम करने से भी कंट्रोल में आ जाते हैं। सेकेंड है मॉडरेट स्पीड, 0.5 से 0.7% बॉडी वेट पर वीक को लूज करने को मॉडरेट स्पीड कहते हैं। ये मैं रेकमेंड करती हूँ जो लोग ओवरवेट से ओबीस कैटेगरी के बीच में लिंगर कर रहे हैं, उनको अपनी स्पीड थोड़ी सी स्लो करके मसल बचाते हुए वेट लॉस करना चाहिए। थर्ड है स्लो स्पीड, अंडर 0.4% बॉडी वेट पर वीक को लूज करने को स्लो स्पीड कहते हैं। ये मैं रेकमेंड करती हूँ जो लोग ऑलरेडी हेल्दी कैटेगरी में हैं, लेकिन अपनी पर्सनल या एथलेटिक गोल्स की वजह से और वजन कम करना चाहते हैं, या लोग जो थोड़े से ओवरवेट है, उनको मैं यही स्पीड रेकमेंड करूँगी। आई होप दिस हेल्प्स।